गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो हम रिसर्च मेथडोलॉजी का यूनिट नंबर 1 कवर कर रहे हैं, हमारी आज क्लास नंबर 2 है। तो हमने लास्ट वीडियो में रिसर्च के बेसिक्स जाने कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है और रिसर्च के टाइप्स क्या होते हैं। आज हम हमारे आगे वाले टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। बेसिकली आज हम सिलेबस में से इम्प्लीकेशंस जानेंगे सैम्पल्स की, कि सैम्पल्स क्यों यूज किए जाते हैं, सैम्पल सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है, कितने तरह के सैम्पल्स होते हैं और जो सैम्पलिंग है उसको हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग, इसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखो, हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं रिसर्च मेथडोलॉजी, तो इसमें हमारा मेन टारगेट क्या है कि जो पूरा का पूरा रिसर्च प्रोसेस है हम उसको जानेंगे। तो अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में रिसर्च प्रोसेस आपको पढ़ाया, उसमें फर्स्ट चीज हमने पढ़ी थी कि आपको क्लियरली डिफाइन करनी है आपकी रिसर्च प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम मतलब आप किस चीज पे रिसर्च कर रहे हो। रिसर्च प्रॉब्लम तभी अराइज होगी तभी आप उसका सॉल्यूशन निकालोगे, हाइपोथेसिस वगैरह टेस्ट करोगे। तो मेन चीज आपकी पीएचडी जर्नी में क्या है, फाइंडिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। एक चीज ध्यान में रखना कि जो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए क्या वो रिसर्च प्रॉब्लम है, क्लियर एंड कंसाइज होने चाहिए और आपकी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो क्लियरली बताए कि इश्यू क्या है या क्वेश्चन क्या है जिसको रिसर्चर अपनी इंटायर पीएचडी जर्नी में इन्वेस्टिगेट करने वाला है। कुछ ना क्राइटेरिया होता है रिसर्च प्रॉब्लम का कि अगर ये कंडीशंस नहीं है तो हम नहीं बोल सकते कि रिसर्च प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। तो सबसे पहले क्या क्या कंडीशंस है, मैं आपको रेड पेन से मार्क कर रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले अ रिसर्च प्रॉब्लम डज एग्जिस्ट इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। सबसे पहले देयर मस्ट बी एन इंडिविजुअल या फिर ग्रुप होना चाहिए या कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, मतलब आपके माइंड में कोई ना कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ होना चाहिए, कि आप पब्लिक सेक्टर कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर कर रहे हो, कुछ भी, मतलब कुछ एलिमेंट होना चाहिए जिसको हम यूजुअली आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। टू होम द प्रॉब्लम कैन बी एट्रीब्यूटेड, एंड वो जो लोग हैं या जो ग्रुप है वो या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी ना किसी एनवायरमेंट में रहता है जिसको हम एन से डिस्क्राइब करते हैं। तो पूरी पीएचडी जर्नी में जो इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप यूजुअली आई से डिनोट करते हो और जो पूरा एनवायरमेंट है उसको एन से डिनोट करते हो। और बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, कुछ तो वेरिएबल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं, कुछ वेरिएबल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जो अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स हैं उनको हम वाई से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले कोई इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, कोई इन्वायरमेंट होना चाहिए एंड कुछ अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स होने चाहिए। सेकेंड, ये नहीं प्रॉब्लम तभी होगी जब दो कोर्सेज ऑफ एक्शन होंगे, जब आपको पता है कि इसका ये रास्ता है तो वो प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट ही नहीं करी। तो दो कोर्सेज ऑफ एक्शन होने चाहिए एंड एटलीस्ट दो पॉसिबल आउटकम्स होनी चाहिए, एटलीस्ट दो कोर्सेज ऑफ एक्शन C1 C2 होने चाहिए जो कर सकते हैं एंड एटलीस्ट टू पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए O1 एंड O2, ठीक है, एंड वन शुड बी प्रेफरेबल टू अदर। एंड ये जरूरी नहीं है कि दोनों कोर्सेज ऑफ एक्शन से इक्वल आउटकम्स आएंगे, सो द चॉइसेस मस्ट हैव अनइक्वल एफिशिएंसीज ऑफ द डिजायर्ड आउटकम, कि जब हम एक कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हैं उससे अलग आउटकम आ रही है, जब दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हैं तो अलग आउटकम आ रही है, अनइक्वल एफिशिएंसीज हैं डिजायर्ड आउटकम से, वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल एफिशिएंसीज आ रही हैं। उसके अलावा जो इंडिविजुअल है उसको क्लियर नहीं होना चाहिए कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ट है, वो हमेशा डाउट में होना चाहिए कि कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है, क्योंकि जब आई को ही क्लियर हो गया कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन है तो आपकी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म होगी, तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। सो रिसर्च प्रॉब्लम के कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एनवायरमेंट होना चाहिए, एटलीस्ट टू कोर्सेज ऑफ एक्शन होने चाहिए, दो पॉसिबल आउटकम्स होनी चाहिए, अनइक्वल एफिशिएंसीज होनी चाहिए डिजायर्ड आउटकम में और आई को पता नहीं होना चाहिए कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ट है, वो डाउट में होना चाहिए अबाउट द होल सिचुएशन। अब हमने थोड़ा सा रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में जान लिया, रिसर्च के टाइप्स एंड प्रोसेस सब जान लिए। अब हमारे टॉपिक का हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज द इम्प्लीकेशंस ऑफ अ सैंपल डिजाइन। अब आप सैंपल डिजाइन लेते हो तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब आप सैंपल डिजाइन लेते ही क्यों हो, तो इम्प्लीकेशन क्या है। देखो सबसे पहले आप सैंपल के बारे में जान लो, सैंपल डिजाइन क्या है। सैंपल डिजाइन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर मेंशन करी है, अ सैंपल डिजाइन इज अ डेफिनेट प्लान ऑफ ऑब्टेनिंग अ सैंपल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन। आप किसी भी पॉपुलेशन से एक डेफिनेट प्लान लेते हो कि मतलब आपको ये वाली पॉपुलेशन को टारगेट करके उसका एक डेफिनेट प्लान लेते हो कि आप ये वाला सैंपल चूज करने वाले हो। सो सैंपल डिजाइन रेफर्स टू अ टेक्निक और अ प्रोसीजर द रिसर्चर वुड अडॉप्ट इन सिलेक्टिंग द आइटम्स ऑफ अ सैंपल। आपके पास पूरी की पूरी पॉपुलेशन है तो उसमें से आपको कुछ सैंपल सिलेक्ट करना है, उस सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए आप एक टेक्निक या एक प्रोसीजर फॉलो करोगे। तो जो रिसर्चर उस टेक्निक या उस प्रोसीजर को फॉलो करता है उन आइटम्स को सिलेक्ट करने के लिए फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन, वो हमारा क्या हो गया, सैंपल डिजाइन हो गया।
अब थोड़ा सा पॉपुलेशन के बारे में जान लेते हैं। तो ऑल द आइटम्स इन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन और यूनिवर्स, कि जो सारी की सारी चीजें जिसके बारे में हम इंक्वायर करना चाहते हैं वो हमारा हो गया यूनिवर्स या पॉपुलेशन। बट पूरी की पूरी पॉपुलेशन का जब हम नंबरिंग काउंट करते हैं, सारी चीजें देखते हैं उनके बारे में, उनकी कैलकुलेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंसस इंक्वायरी। बट पूरी की पूरी सेंसस इंक्वायरी कर पाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो ये पॉसिबल नहीं होता। सो हम सैंपल से आइडिया लगा लेते हैं कि पूरी पॉपुलेशन कैसी है, पूरी पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम सैंपल से ही डिटरमाइन कर लेते हैं। सो द सिलेक्टेड रिस्पॉन्डेंट कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज टेक्निकली अ सैंपल। तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से हम कुछ सिलेक्टेड चीजें ले लेते हैं, सिलेक्टेड रिस्पॉन्डेंट्स ले लेते हैं, जिसको हम सैंपल बोलते हैं। और सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए हम एक सैंपलिंग टेक्निक यूज करते हैं, जिसको हम सैंपलिंग टेक्निक बोलते हैं। द सर्विस वो कंडक्टेड इज ऑल्सो नोन एज सैम्पल सर्वे। जो हम सर्वेज लेते हैं इसीलिए हम उनके आगे वर्ड सैम्पल ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो पूरी पॉपुलेशन का सैम्पल नहीं होता है। अब एक दो टर्म्स हैं थोड़ी सी टेक्निकल, आप इसको ध्यान में रखना कि जो पॉपुलेशन साइज है हम उसको एन से डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मैंने आपको एनवायरमेंट बताया था एन से, तो एन इज बेसिकली योर एनवायरमेंट साइज, और जो हमारा सैंपल है वो स्मॉल एन से डिस्क्राइब होता है। सो जो स्मॉल एन है दैट विल ऑब्वियसली हमेशा वो कम होगा बड़े वाले एन से, ठीक है। द ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ दिस एन यूनिट्स इज नोन एज सैम्पल। तो हम एन यूनिट्स, स्मॉलर वाले एन यूनिट्स हमारे क्या हैं, सैम्पल हैं। आई होप सबको सैम्पल का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि हम पॉपुलेशन में से एक डिफाइंड प्लान बना के सैम्पल को एक प्रॉपर टेक्निक या प्रोसीजर लगा के अडॉप्ट करते हैं। अब आपको पता है कि सैंपल की इम्प्लीकेशंस क्या है, ये हमारा टॉपिक है। तो हम सैंपल क्यों चूज करते हैं, बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए। तो आप देखो, जो अगर हम पूरा को पूरा सेंसेस का करने लगे तो दैट वुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो ये टर्म्स हैं, ये हेडिंग्स हैं जो आप लर्न कर सकते हो। अगर आप सैंपलिंग करते हो तो दैट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम इफेक्टिव। सैंपल आपको पूरा ट्रू रिप्रेजेंटेशन देता है लार्जर पॉपुलेशन का। आप इजिली स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हो सैम्पलिंग टेक्निक से, क्योंकि जब बहुत सारा डाटा होगा डाटा को इन्फर करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इजिली आप वैलिड इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हो प्रॉपर सैम्पलिंग टेक्निक्स लगा के। उसके बाद स्टेटिस्टिकल प्रोसीजन आएगा, क्योंकि ज्यादा डाटा होगा तो भी प्रोसीजन नहीं आएगा, तो स्टेटिस्टिकल प्रोसीजन आएगा। ये ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है जब आप सैंपल्स यूज करते हो, क्योंकि जब आप सोचो कि आपको इंटायर इंडिया का करना है कुछ भी निकालना है, तो अगर आप पूरी पॉपुलेशन गिनने बैठ जाओगे दैट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल चीजें निकाल सकते हो। एथिकल कंसिडरेशंस भी आ जाते हैं, क्योंकि सबका इतने पूरे इंडिया का या जो भी आप एरिया ले रहे हो उनका सबका डाटा संभालना भी मुश्किल है। अगर लिमिटेड लोग हैं तो वो जल्दी भी हो जाएगा और वो एथिकली भी कंसिडरेबल रहेगा। उसके बाद बायसनेस भी कम होगी, क्योंकि जब कम डाटा है फियर रिप्रेजेंटेशन करोगे तो बायसेस भी कम हो जाएंगे। फिजिबिलिटी रहेगी डाटा कलेक्शन की, क्योंकि ना ही वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव एक्सपेंसिव होगा और ना ही बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। और मैनेजेबल भी होगा, क्योंकि जब आप स्मॉल सैंपल लेके, मतलब एक स्मॉल नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमम नंबर ऑफ सैंपल होना चाहिए ताकि आप उसको अच्छे से मैनेज करके उसको एनालाइज कर पाओ। तो सैंपलिंग के क्या क्या बेसिकली इंप्लीकेशंस हैं मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए। सैंपलिंग के साथ क्या होगा, कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव होगा, ट्रू रिप्रेजेंटेशन आएगी, इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हो, स्टैटिस्टिकल प्रिसीजन आएगा, प्रैक्टिकल है, फ्लेक्सिबल है, एथिकल कंसिडरेशंस को ध्यान में रख सकते हो, मिनिमम बायसेस आएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी होगी डाटा कलेक्शन में एंड मैनेजेबल भी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर आपको पूरे डाटा में से सैंपल निकालना है उसके क्या स्टेप्स हैं। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पे आपको स्टेप्स बताए हुए हैं। तो सबसे पहले हम सारे स्टेप्स देखते हैं सैंपल्स को चूज करने के। सबसे पहले हम सैंपल किससे चूज करते हैं, पॉपुलेशन से। तो आपकी पॉपुलेशन को आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट आप एक सैम्पलिंग फ्रेम बनाओगे। सैम्पलिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, आप सारे के सारे एलिमेंट्स बेसिकली मोटा मोटा नोट करोगे, लिस्ट बनाओगे फ्रेमवर्क की, जो आपकी पूरी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद आप सैम्पलिंग मेथड को चूज करोगे कि आप कौन सी सैम्पलिंग कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी बेस्ड कर रहे हो, नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड कर रहे हो, मतलब रैंडम कर रहे हो या नॉन रैंडम कर रहे हो, वो आप चूज करोगे कि कौन सा मेथड आप यूज करोगे। देन आपको मेथड के साथ साथ साइज भी क्लियर होना चाहिए कि कितने लोगों को, कितने एलिमेंट्स को, कितने इंडिविजुअल्स को आप ले रहे हो अपने सैंपल में। अब सब चूज कर लिए, देन आप प्लान करोगे कि कैसे करना है, इंप्लीमेंटिंग द सैंपलिंग प्लान, जो आपने ऊपर प्लान बनाया है इसको इंप्लीमेंट करोगे। देन उस बेसिस पे डाटा को कलेक्ट करोगे, देन उस डाटा को एनालाइज करोगे एंड उस डाटा के कंक्लूजंस निकालोगे, जनरलाइज करोगे अपने फाइंडिंग्स को एंड रिपोर्ट करोगे अपने रिजल्ट्स को। सो ये बहुत ही इजी स्टेप्स थे सैंपलिंग के। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ सारे के सारे स्टेप्स। सबसे पहले यू विल डिफाइन द पॉपुलेशन, देन यू विल सिलेक्ट अ सैंपलिंग फ्रेम, सैंपलिंग मेथड एंड देन सैंपलिंग साइज। देन इंप्लीमेंट द प्लान, इंप्लीमेंटेशन में डाटा कलेक्शन होगा, एनालिसिस होगा, कंक्लूजन्स ड्राइंग होगा, जनरलाइजिंग होगा एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स होगा। सो दिस वाज आवर स्टेप्स ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल।
अब आपको सैम्पलिंग प्रोसीजर्स बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके पास, ठीक है, उसमें से क्या क्राइटेरिया आप अडॉप्ट करोगे कि आप अच्छा सैंपल चूज कर पाओ। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग अ सैंपल प्रोसीजर, तो हमने कैसे एक सैंपल को चूज करना है, उसका हमारा क्या क्या क्राइटेरिया है, वो मैं आपको बेसिकली थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। तो अगर हमें कोई भी सैंपलिंग प्रोसीजर, कोई भी सैंपलिंग टेक्निक चूज करनी है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। देखो जब हम सैंपलिंग एनालिसिस करते हैं ना, दो तरह की कॉस्ट हमारे पास होती है। एक तो हमें डाटा को कलेक्ट करना है, उसकी हमारे पास कॉस्ट आएगी। दूसरा, जो हमने डाटा कलेक्ट कर लिया उससे हम इन्फ्रेंसेस निकालते हैं, तो कई बार क्या होता है इन्फ्रेंसेस गलत निकल जाती हैं, तो हमें इनकरेक्ट इन्फ्रेंसेस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर इन्वॉल्व, कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग द डाटा एंड कॉस्ट ऑफ एन इनकरेक्ट इन्फ्रेंस रिजल्टिंग फ्रॉम द डाटा। सो दो कारण हो सकते हैं इनकरेक्ट इन्फ्रेंसेस के। अगर आप गलत रिजल्ट्स निकाल रहे हो अपने सैंपल से, तो उसके भी दो कारण हो सकते हैं। एक तो क्या है, सिस्टमैटिक बायस है, और एक हो गया सैंपलिंग एरर। दो तरह के एरर्स हैं ये, वैसे आगे भी आपकी पूरी पीएचडी जर्नी में यूज होंगे, तो आपको ये दोनों टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, सिस्टमैटिक बायस क्या होता है और सैंपलिंग एरर क्या होता है, ठीक है। अब सिस्टमैटिक बायस क्या होता है, सिस्टमैटिक बायस का मतलब है अ सिस्टमैटिक बायस रिजल्ट्स फ्रॉम एरर्स इन सैंपलिंग प्रोसीजर, कि आपने सैंपलिंग प्रोसीजर करते हुए कुछ एरर कर दिया, और अगर आप सैंपल साइज बढ़ाते भी हो तो सिस्टमैटिक जो बायस है वो दूर नहीं होगा, ना ही एलिमिनेट होगा। तो बेसिकली आपने सैंपलिंग करते हुए कुछ गलती कर दी। नेक्स्ट इज सैंपलिंग एरर, जो सैंपलिंग एरर है, अगर आप सैंपल का साइज बढ़ा देते हो सैंपलिंग एरर कम हो जाएगा, तो आपको एक ऐसा सैंपल लेना है जो कि एक ऑप्टिमम सैंपल है। तो सिस्टमैटिक बायस को आप दूर नहीं कर सकते, बट सैंपलिंग एरर को आप लार्जर सेट ऑफ सैंपल लेके मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो हमें एक दोनों कॉस्ट ध्यान रखनी है जब हम सैंपलिंग प्रोसीजर चूज कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग द डाटा एंड कॉस्ट ऑफ एन इनकरेक्ट इन्फ्रेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द डाटा। जब हम इनकरेक्ट इन्फ्रेंसेस की बात करेंगे, दो तरह के एरर्स हो सकते हैं, सिस्टमैटिक बायस एंड सैंपलिंग एरर। जो सैंपलिंग एरर है, जब हम साइज बढ़ाएंगे हमारे सैंपल पॉपुलेशन का, तो हमारा जो सैंपलिंग एरर है वो कम हो जाएगा। सिस्टमैटिक बायस को हम सैंपल का साइज बढ़ा के एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो जब हम सैंपलिंग प्रोसीजर चूज करते हैं, तो उनको प्रॉपरली चूज करना रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रिसर्चर मस्ट इंश्योर दैट अ प्रोसीजर कॉजेज अ रिलेटिवली स्मॉल सैम्पलिंग एरर, कि जितना स्मॉल हो सके उतना छोटा सैम्पलिंग एरर आए, और सिस्टमैटिक बायस को प्रॉपरली एक बेटर वे में कंट्रोल किया जा सके। तो क्या क्या चीजें आप ध्यान में रखोगे, कि जो आपका सैंपल है, नंबर वन, दैट इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन, वो आपके पूरे ग्रुप की ट्रू रिप्रेजेंटेशन देता है, कि पूरी की पूरी करेक्ट पिक्चर दिखा रहा है, मतलब आपकी पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। रैंडमाइजेशन है उसमें, सेम सैंपल साइज ले रहे हो, जो आप सैंपल साइज ले रहे हो उसमें होमोजेनिटी है, जो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल कर रहा है आपका जो सैंपल साइज है, फिजिबल है उसको कलेक्ट करना, एक्यूरेट है, एथिकल कंसिडरेशन का ध्यान रख रहे हो जब आप सैंपल साइज ले रहे हो, रिसर्च डिजाइन को फॉलो कर रहे हो, और जो आप सैंपल ले रहे हो उस पर आप स्टेटिस्टिकल टेक्निक, स्टेटिस्टिकल पावर्स को अप्लाई कर सकते हो। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल प्रोसीजर, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, रैंडमाइजेशन होनी चाहिए, सैंपल साइज सेम होना चाहिए, सैंपल साइज अच्छा होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए, होमोजेनिटी ऑफ डाटा होनी चाहिए, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करें, फिजिबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, एथिकल कंसिडरेशन को कंसिडर करें, रिसर्च डिजाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एंड प्रॉपर स्टेटिस्टिकल पावर होनी चाहिए। बेसिकली दो तरह के सैंपल्स होते हैं, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सैंपल्स, एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रैंडम एंड नॉन रैंडम सैंपलिंग सैंपल्स, ठीक है। ये हमारे दो टॉपिक्स हैं जो हम आगे अभी कवर करने वाले हैं। तो दो तरह के बेसिकली हमारे पास सैंपल्स होते हैं, सैंपल्स हम दो तीन कैटेगरीज में पढ़ेंगे, तो आपको मैं मेन बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी कैटेगरीज के बेसिस पे सैंपल्स को डिवाइड किया है। तो सैंपल्स बहुत सारी टाइप्स के हो सकते हैं। सबसे पहले हम ब्रीफ में सबकी हेडिंग्स देखेंगे, देन उनके अंदर जो जो पॉइंट्स हैं वो देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे बात करें, तो जो सैंपलिंग है वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी हो सकती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी हो सकती है। उसके बाद अगर हम रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे बात करें, तो सैंपल ट्रू रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, नॉन रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। सो रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे हम सैंपल्स दो तरह के बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल एंड नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अब जो क्वालिटेटिव सैंपल्स होते हैं वो पर्पसफुल सैंपलिंग भी हो सकती है एंड थियोरेटिकल सैंपलिंग भी हो सकती है। अगर हम टाइम के बारे में बात करें, क्रॉस सेक्शनल सैंपलिंग हो सकती है या लॉन्गिट्यूडनल सैंपलिंग हो सकती है। साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो लार्ज सैंपल्स भी हो सकते हैं, स्मॉल सैंपल्स भी हो सकते हैं। रैंडमाइज की बात करें तो रैंडमाइज सैंपल्स भी हो सकते हैं या फिर नॉन रैंडमाइज स्टडीज भी हो सकती हैं। ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पर बात करें, क्लस्टर हो सकता है या एरिया सैंपलिंग हो सकती है।
ऑब्जर्वेशनल स्टडीज कि आप पूरा सैंपल सर्वे कर रहे हो या पूरे सेंसस की कर रहे हो, उस बेसिस पर हम दो कैटेगरीज में सैंपल्स को डिवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा हम एज, जेंडर या डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे भी सैंपल्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट अ ओवरव्यू रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ सैंपल्स। तो अगर आपको पूछा जाए टाइप्स ऑफ सैंपल्स क्या क्या हैं, आप अलग अलग बेसिस बना के अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हो सैंपल्स की। तो जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसमें हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग भी कर सकते हैं, या फिर अलग अलग सब ग्रुप्स बना सकते हैं जिनको हम स्ट्रैटा बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, या फिर हम सिस्टमैटिकली भी कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग तीन तरह की हो सकती है, यहाँ पे मैंने तीन ही मेंशन करे हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इसमें हर एक चीज के आने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती, इसमें आप अपनी जजमेंट्स लगाते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग सैंपलिंग करते हो, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब हम अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, सैंपल एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है पॉपुलेशन का, या फिर नॉन रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, तो उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं सैंपल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है या फिर नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। अब जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं पर्पसफुल सैम्पलिंग भी हो सकती है या फिर थ्योरेटिकल सैम्पलिंग भी हो सकती है। टाइम रिलेटेड अगर हम बात करें, अगर हम एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे डाटा को सारा कलेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस सेक्शनल सैम्पलिंग, बट जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम सो दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल सैम्पलिंग। बाकी अगर हम साइज के बेसिस पे बात करें सैंपल्स लार्ज भी हो सकते हैं, सैंपल्स स्मॉल भी हो सकते हैं। तो जब आप लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ले रहे हो और आपका सैंपल बड़ा है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लार्ज सैंपल, और जब आपका smaller number of participants है that is small sample। रैंडमाइजेशन के बेसिस पर सैंपल्स हो सकते हैं रैंडम सैंपल्स एंड नॉन रैंडम सैंपल्स। जब आप क्लस्टर्स में पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहे हो तो दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग, एंड जब आप ज्योग्राफिकल एरियाज के बेसिस पर कर रहे हो दैट इज एरिया सैम्पलिंग। अब अगर आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो दैट इज सेंसस, अगर आप थोड़े से लोगों को सर्वे कर रहे हो सबसेट को कर रहे हो तो दैट इज अ सैंपल सर्वे। एज के बेसिस पर कर रहे हो, जेंडर के बेसिस पर कर रहे हो, या किसी और डेमोग्राफिक्स के बेसिस पर कर रहे हो तो उस बेसिस पर भी हम सैंपल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें एलिमेंट, एलिमेंट के बेसिस पर भी सैंपलिंग हो सकती है एज अ रिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग एंड अ अनरिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग। अब हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है दैट इज रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने टाइप्स मेंशन करे हैं रैंडम सैम्पलिंग के भी एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग के भी, ठीक है। सबसे पहले रैंडम, रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम। जब हम रैंडम सैम्पलिंग की बात करेंगे हर एक चीज की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑलवेज इक्वल होगी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। नॉन रैंडम मतलब बेसिकली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो रैंडम सैम्पलिंग एक तरह से क्या हो गया, हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गया, एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग हमारा हो गया नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो अगर हम रैंडम सैम्पलिंग की बात करें ये चार तरह का हो सकता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। सिंपल मतलब आपने हजार लोगों की लिस्ट बनाई, उसमें से आपने 100 लोग सिलेक्ट करने हैं, हर एक का सिलेक्ट होने का चांस क्या है, इक्वल। जब हम रैंडम की बात करेंगे हर एक स्टूडेंट का सिलेक्ट होने का चांस क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। सो नंबर वन इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकेंड इज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि आप पॉपुलेशन को स्ट्रैटास का मतलब होता है बेसिकली सब ग्रुप्स में डिवाइड करो, सब ग्रुप्स में डिवाइड करके फिर उसके बाद रैंडमली ईच स्ट्रैटा में से लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो और उसके आने की भी प्रोबेबिलिटी या चांसेस क्या है, इक्वल है। देन इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, इसमें क्या करते हो, आप बोलते हो कि आपने हर एक nth बंदे को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 500 लोग एक फैक्ट्री में से उसमें से 10 बंदे चूज करने हैं, आप बोलोगे कि हर एक मैं 50th जो एम्प्लॉय होगा उसको चूज करूंगा। मतलब आप कोई भी nth टर्म ले सकते हो, आप बोल सकते हो कि इस स्टार्टिंग पॉइंट से मैं रोस्टर के अकॉर्डिंग जो भी बंदा आ रहा है उसको मैं चूज करता जाऊंगा। तो एवरी nth एम्प्लॉय को आप क्या करते हो, इसमें सिलेक्ट करते हो या फिर चूज करते हो। उसके बाद आ गया रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, इसमें क्या है, इसकी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है, इन अ मेडिकल स्टडी पार्टिसिपेंट्स विद अ सर्टेन हेल्थ कंडीशन माइट बी रैंडमली असाइंड टू इधर अ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और टू अ कंट्रोल ग्रुप। तो इसमें आप रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स करते हो। तो अगर आपको रैंडमाइज्ड सैम्पलिंग एग्जांपल्स आ गए, आप सिंपल, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक या फिर RCT मेंशन करके आ सकते हो। नेक्स्ट है नॉन रैंडमाइज, इसमें हर एक बंदे की आने की प्रोबेबिलिटी या फिर चांस इक्वल नहीं होता, आप अपने या तो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग या अपने पर्पस के अकॉर्डिंग किसी भी क्राइटेरिया के बेसिस पर, मतलब अगर उसका आने का चांस इक्वल नहीं होता उस बेसिस पर आप सैंपल को क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो।
तो जो नॉन रैंडमाइज सैम्पलिंग है, यहाँ पे मैंने 5, 6, 7 सेवन पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करी है. सबसे पहले हमारा हो गया कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सेकेंड हो गया पर्पस के बेसिस पे सैम्पलिंग, थर्ड इज स्नोबॉल सैम्पलिंग, फोर्थ इज कोटा सैम्पलिंग, फिफ्थ इज जजमेंटल सैम्पलिंग, सिक्स्थ वन इज कंजेगेटिव सैम्पलिंग एंड सेवन्थ वन इज अपॉर्चुनिस्टिक सैम्पलिंग. अब हम सभी के एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हमें ये जो नॉन रैंडमाइज सैम्पलिंग एग्जाम्पल्स हैं वो क्लियर हो जाए. कन्वीनियंस का बेसिस है, अगर आपको जो भी चीज़ कन्वीनियंट लगती है आप उस बेसिस पर सैम्पल ले रहे हो. सो इफ यू सर्वे पीपल आउटसाइड अ शॉपिंग मॉल, जो भी अवेलेबल है या जो भी आ रहा है ऑन द मोमेंट कन्वीनियंस के बेसिस पे, उससे आप सैम्पल उठा रहे हो. नेक्स्ट है पर्पस सैम्पलिंग. इसमें क्या है, आप एक्सपोर्ट ओपिनियन चाहते हो प्रोफेशनल्स का, तो आपके पर्पस के अकॉर्डिंग आप प्रोफेशनल्स की राय ले रहे हो. नेक्स्ट इज स्नोबॉल. स्नोबॉल का मतलब है जैसे स्नोबॉल घूमती है ना, उस बेस पे एक बंदा दूसरे को रेफर करता है, दूसरा बंदा तीसरे को रेफर करता है, ऐसे चलता है. व्हेन रिसर्चिंग अ नीश टॉपिक यू माइट स्टार्ट विद अ फ्यू पार्टिसिपेंट्स एंड आस्क देम टू रेफर अदर. तो एक बंदा दूसरे को, दूसरा तीसरे को, ऐसे रेफरिंग चलेगी उसमें स्नोबॉल में. उसके बाद हमारा आ जाता है कोटा सैम्पलिंग. कोटा में क्या है, आप कोटाज रख देते हो फिक्स करके. फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ इंडिविजुअल सिलेक्ट करने हैं, तो आपने कोटाज रख दिए एंड नॉन रैंडमली उनमें से चूज करा, तो कोटाज के बेसिस पे करते हो. जजमेंट में ऑब्वियसली जो आपकी जजमेंट होगी, आपको लगेगा कि हाँ यार ये वाला बंदा ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है सैंपल का, उस बेसिस पे आप सिलेक्ट कर लेते हो अपनी जजमेंट के बेसिस पे. नेक्स्ट इज कंजेगेटिव सैम्पलिंग. आप सारे लोगों को कंजेगेटिवली चूज कर लेते हो, मतलब अपने हिसाब से नॉन रैंडम वे से. अपॉर्चुनिस्टिक सैम्पलिंग का मतलब है कि जो अपॉर्चुनिटी दिखी उस अकॉर्डिंग आप चूज करें. फॉर एग्जाम्पल इन अ पब्लिक प्लेस यू माइट अप्रोच इंडिविजुअल्स हु आर अवेलेबल एंड विलिंग टू पार्टिसिपेट विदाउट एनी स्पेसिफिक रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस. तो ये थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया है रिगार्डिंग द रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग. तो रैंडम में हमने पढ़ा सिंपल, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक एंड आसिटी. नॉन रैंडम में हमने पढ़ा कन्वीनियंस, पर्पसिव, स्नोबॉल, कोटा, जजमेंटल, कंजेगेटिव एंड अपॉर्चुनिस्टिक. आई होप आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा. इसमें हमने मेन तो सैम्पलिंग के बारे में जाना था, सैम्पल में भी टाइप्स ऑफ सैम्पल, रैंडम एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग, क्राइटेरिया कि आप सैम्पल कैसे सिलेक्ट करते हो और सैम्पल के क्या इम्प्लीकेशंस हैं. आई होप इस वीडियो में आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा हमारे रिसर्च मैथडोलॉजी के एक नेक्स्ट फेज का. ये हमारी सेकेंड क्लास थी, अभी मिलेंगे हम थर्ड क्लास में, जिसमें हम आने वाले टॉपिक्स जो कि हैं रिसर्च डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, विद इन ग्रुप डिज़ाइन, ये सब हम कवर करने वाले हैं. तो अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनके साथ भी उनको भी यूजफुल कंटेंट मिल पाए. ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.